तो क्या हो जाएगा अगर ये इट्स रोटिंग के प्लेन पॉइंट्स टू द राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी द सिंक, एंड इफ दिस इज रोटिंग टू योर राइट, दिस विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो वन विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द अदर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट टू द लेफ्ट हैंड साइड, बट दोनों आर द सेम मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर ये कोई एंगल से ही करते हैं, सपोज इफ इट्स रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका ऐसा था, राइट? लाइट आफ्टर रोटेशन एक 30 डिग्री का एंगल बना रहे, इट्स बिकमिंग दिस वे, राइट? तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है. इफ इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री टुवर्ड्स राइट, दिस विल मेक द सेम एंगल्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. दोनों का एंगल सेम होगा, ठीक है. रोटेट बने दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे विल हैव द सेम एंगल. दैट्स क्लियर. अब इसके जो ये होते नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो इसके होते, अभी ये ऐसे जो आइसोमर्स बन रहे इसके, दिस आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब दिस आइसोमर्स डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी असिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स है. ये आपके असिमेट्रिकल कार्बन आइटम है, राइट? जितने आपके पास असिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स होंगे उतने ज्यादा यू हैव आइसोमर्स इसके ज्यादा हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके ज्यादा हो जाएंगे. तो यहाँ इफ यू हैव ओनली वन, राइट, तो यू हैव व्हाट यू कॉल इज टू दिस थिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहे. दिस इज जनरली गिवन बाय फॉर्मूला 2 raised to n. n is the number of asymmetrical, n is number of asymmetrical carbon atoms, right? Number of asymmetrical carbon atoms कितने? यहाँ 1 था तो only 2 is possible. अगर आपके पास asymmetrical carbon atom 2 हो जाएंगे तो this will become 2 square, that is will have 4 optical isomers. Clear? Now you have n antimoles. Okay, now what is n antimoles? This is the stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other and rotate the plane of polarized through the same angle but in opposite directions. Okay. मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, दे आर रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद अ फिक्स एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर नोन एज द एंटीटोमर एंड एंटीटोमर्स. क्लियर? नाउ दिस एंड एंटीटोमर्स विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे इनके सबके. मतलब उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम, एक्सेप्ट उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. सिर्फ प्लेन पोलराइज का डायरेक्शन जो है वो रोटेट करेंगे, ठीक है. तो एंटीटोमर्स वही होता है, दे आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट, एंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द सेम एंगल बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन यू कैन से, तो दे आर नोन एज द एंटीटोमर्स. अब इसमें है रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक या रेसमेट जो है, रेसमिक मिक्सचर और यू कैन कॉल इट एज रेसमिट्स. रेसमिट्स क्या होता है? यू टेक स्टीरियोआइसोमर्स. स्टीरियोआइसोमर्स व्हेन इक्विमॉलिक्युलर क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर्स दोनों मिक्स करेंगे, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ, आप क्या कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ले रहे हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ले रहे हैं, राइट, एंड लिवो आइसोमर्स, ठीक है, सेम क्वांटिटी के ले रहे हैं एंड यू आर मिक्सिंग देम अप, राइट. मतलब ये अगर सपोज इफ यू आर टेकिंग एट 5 grams, ये भी आपने 5 grams ले लिया, सेम क्वांटिटी ले लिया, यू आर मिक्सिंग दिस टू, ये दोनों मिक्स करे बाद क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज मिलते दोनों को, दिस इज
राइट रोटेटिंग टूवर्स राइट एंड दिस इज रोटेटिंग टूवर्स लेफ्ट, बट अगर दोनों मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट रोटेट दिस थिंग, दिस बिकेम ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट. सो दिस इज नोन एज द रेस्मिट मिक्सचर या रेस्मिट्स, ये करते हैं. क्लियर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो जाए कैसा, क्योंकि आपने क्या किया, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स और लिवो आइसोमर्स जो भी थे दोनों को लाके ये कर दिया, इक्वल क्वांटिटी में आके दोनों को मिक्स कर दिया. नाउ चिरालिटी, चिरालिटी इज लाइक ये वर्ड अक्सर यूज है, चिराल. चिरालिटी क्या है, दिस आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिंग आता है तो उस ऑब्जेक्ट इज नोन एज चिराल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी को नोन एज चिरालिटी, ठीक है. एनी ऑब्जेक्ट जिसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिंग द सेम, तो एनी ऑब्जेक्ट विच हैज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. Any object which has non-superimposable mirror image is known as the chiral. और ये property को अपन बोलेंगे chirality. अब now you have RS configuration. ठीक है, RS configuration का एक काम करते हैं, we'll continue this RS configuration in the next session. ठीक है, because स्टॉप हो गया नाउ, बाकी का विल डू इट इन दिस थिंग. जो भी चीज़ आपको डाउट रहेगा तो यू कैन गेट मी ऑन दिस नंबर, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक, ठीक है, व्हाट्सअप मी, आई क्लियर योर डाउट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.